तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों अगर इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है और रिएक्टेंस एक्स एल है और कैपेसिटेंस सी है और रियक्टेंस एक्सएल है इफ़ द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी आर डबल न्यू रिएक्टेंस तो न्यू रिएक्टेंस अगर अपने पास सिंपल एक कैपेसिटर है अगर एक सिंपल कैपेसिटर है तो इसका जो एक्स सी है वन अपान ओमेगा सी वन अपान ओमेगा सी मतलब टू पाई फ्रीक्वेंसी सी यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब ये केस फर्स्ट तो अपना हो गया दिस इज द केस फर्स्ट तो केस सेकंड में क्या कहा जा रहा है तो केस सेकंड में ये कहा जा रहा है केस सेकंड में कि x एस सी डैश आ जाएगा वन अपान इफ़ द फ्रीक्वेंसी वी कैम डबल इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी दोनों डबल कर देते हैं तो टू पाई फ्रीक्वेंसी एफ डैश और सी सी डैश और दोनों डबल हो गया है तो टू पाई फ्रीक्वेंसी टू एफ और यहाँ से टू सी ठीक है तो जो एक्स सी जो न्यू मिलेगा वो वन बाई फोर और ब्रेकेट में वन अपान टू पाई फ्रीक्वेंसी सी बचा और ये जो टू पाई ये जो ब्रेकेट में आया वो आ जाएगा एक्चुअल एक्स सी और अपान फोर दैट इज़ एक्स सी डैश तो जो नया एक्स सी डैश आ जाएगा दैट इज़ एक्स सी अपान फोर आ जाएगा दैट इज़ यहाँ से सी ऑप्शन सही आ जाएगा थैंक यू